देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण पर कई बार अपने विचार रख चुके हैं और कहते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ऐसे ही एक मामला जनपद संभल के चंदोसी के मोहल्ला सेमर टोला में रहने वाली रितु, जो कि एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग है, उसने दिव्यांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपने पिता का हाथ बटाने के लिए 11 वर्ष पूर्व वेल्डिंग की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। उसे ये काम अपने पिता का लड़का न होने की वजह से करना पड़ा, क्योंकि वे चार बहनें हैं, जिसकी वजह से उनके पिता को अपने परिवार का पालन पोषण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए रितु ने हाई स्कूल पास करने के बाद अपनी दुकान पर काम करना चालू कर दिया और आज वे अपने पिता की दुकान स्वयं ही संभाल रही हैं और समाज में रहने वाली अन्य महिलाओं और उन दिव्यांग लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं, जो कि दिव्यांगता को अपना एक अभिशाप मानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु। आप वेल्डिंग करती हो? कितने सालों से आप वेल्डिंग का कार्य कर रही हैं? मुझे हो गए 15-16 साल। तो आप ये काम क्यों करती हो? परेशानी थी, इस वजह से मेरा कोई भाई नहीं था, इस वजह से मैं ये काम करती हूँ। मेरे पापा गुजर गए, उनका कोई सहारा देने वाला नहीं है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। तो आप बेटी होके बेटे का फर्ज निभा रही हैं? जी। तो घर गृहस्थी आपकी इसी से चलती है? हाँ, इसी से चलती है। कितने बहन भाई हो आप? चार बहन हैं हम। भाई नहीं है कोई? नहीं।